हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? अभी मैं सो के उठा हूँ और अभी बज रहे हैं 8। मैं फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, एक्सरसाइज वगैरह मैंने कर लिया है, बस अब खाने का टाइम है। तो चलते हैं मैस, उसके बाद फिर आज पहले ऑनलाइन क्लास है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, तो फिर यूनिवर्सिटी चलेंगे क्लास लगाने के बाद। अभी चलते हैं नीचे पहले मैस। तो गाइस, आज खाने में बने हैं आलू के परौठे और साथ में दही। तो गाइस, अभी तो मैं खाना वगैरह खा के मैस से आ चुका हूँ, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्लास ज्वाइन करते हैं। बेदलोदान तुर्केसी मिदिस। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। मोदी खार UR मोदीवार। तो गाइस, मैं बैठा हूँ, जॉर्ज ने क्लास लगा रहा हूँ, आपको सुनाया भी है कैसे वर्ड्स हैं, दिखाया भी है, बहुत टफ चल रहा है, बक्के लगा रहे हैं क्लास। अभी लगनी है क्लास 1-1.5 घंटे, क्लास ओवर होगी फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी चलेंगे। तो गाइस, अब फाइनली क्लास ओवर हो चुकी है, 1 बज गया है और अब जाके क्लास ओवर हुई है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया लैंग्वेज में। तो चलो अब तैयार होते हैं और फिर यूनिवर्सिटी के लिए निकलेंगे। तो अभी मैं उठा तैयार होने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए, और बाहर देखो स्नो पड़ रही है पूरी फुल स्पीड में। चलो दूसरी साइड से मेन रोड का व्यू दिखाता हूँ बालकनी से। फिर चलो रेडी तो हो गए हम, जैकेट वगैरह डालते हैं और फिर चलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी की क्लासेस वगैरह भी हैं और एग्जाम भी आज, एक एग्जाम भी देना है। थोड़ा जल्दी निकलना है क्योंकि फिर ट्रैफिक ट्रैफिक मिल जाए रास्ते में, तो कुछ पता नहीं है कहीं लेट हो जाए। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change. Tension ho rahi hai, paper hai, pad le bhai. Guys, paper lene ja rahe hain, pad le. Tension mein kitni, pad le. So guys, apne exam chal rahe hain university mein, to university aaye hain isliye aaj hum. Guys, yahan pe maine aapko bata diya, yahan pe Bathumi mein rainy season hi rehta sara time. और वो देखो ऊपर पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है, वहाँ पे एकदम बादल छाए हुए हैं और ये पहुँच गए हम यूनिवर्सिटी। My life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for... गाइस देख सकते हो कितना यूनिवर्सिटी के पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा धुंध बादल छाए हुए हैं और बर्फ गिरी हुई है वहाँ, और यहाँ हम घूम रहे हैं यूनिवर्सिटी के बाहर, अभी तक जा रहे हैं अंदर ही। And I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe? तो गाइस, इतना एग्जाम स्टार्ट होना है, उससे पहले मगर मैच चलते हैं, कुछ खा भी करते हैं ये आगे। येलो गाइस, ब्राउनी खाओ आप सब भी। तो गाइस चलो आप सबको यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के बैक साइड का एरिया दिखाता हूँ। ये देखो इधर साइड में ये रही अपनी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, ये रही अपनी बिल्डिंग है, ये जो उनसी बैक साइड, इसका बैक साइड का एरिया ये रहा, यहाँ चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, साथ में ये बास्केटबॉल फुटबॉल कोर्ट और ये रहे पहाड़। और साइड में जो सी बिल्डिंग देख रहे हो सामने, ये न्यू बिल्डिंग बन रही है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी आ रहे हैं इंडिया से उनके लिए बनाई गई है स्पेशल ये बिल्डिंग, क्योंकि दूसरी बिल्डिंग में इतनी जगह नहीं है कितना सारे बच्चे आ सके। और यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा बहुत है इस, क्योंकि ये नई बिल्डिंग अभी बन रही है तो ये बंदा काम कर रहा है यहाँ पे अभी। तो गाइस अभी अपना एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, अब जा रहा हूँ मैं एग्जामिनेशन सेंटर में, अंदर एग्जाम स्टार्ट होएगा तो फिर मिलता हूँ आपसे एग्जाम करके। ये है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और चलो हम लिफ्ट से चलते हैं ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर में। बटन दबाओ। किधर है? जाना सेकंड सारे बटन दबा दो।
ये रहा अपना एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम देने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस एग्जाम देके आ चुके हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ अपना, बहुत बढ़िया बढ़िया मस्त एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी आ गया साथ साथ ही, क्योंकि कंप्यूटर में था तो सारे पास हो गए, बढ़िया रिजल्ट आया सबका। ये क्या गाइस एग्जाम देके आया और बाहर आके देखा तो स्नो, अब वापस एकदम पढ़ने स्टार्ट हो गया, घर भी जाना वापस। चलो दूसरी साइड से दिखाता हूँ, फ्रंट साइड से। और ये देखो मेरा क्या हाल हो गया, कितनी ज़्यादा बर्फ हो रही है गाइस। ये देखो अचानक स्नो स्टार्ट हो गई और बहुत ही तेज हो रही है, ये देखो दिख रहा है बहुत ही तेज हवा चल रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा यहाँ पे। ये देखो कितनी तेज स्नो हो रही है, अभी घर भी जाना पता नहीं कैसे जाएंगे। गाइस भूख लग रही है, अब मैच चलते हैं, देखते हैं मैच में कुछ पार्टी टाइप भी बना रखा आज और कुछ खाते हैं फिर वहाँ जाके। गाइस देख के तो लग रहा है आज कुछ पार्टी वगैरह होगी, देखो पीछे कितना सारा खाना बना हुआ है। ये देखो जॉर्जियन फूड बनाया है यहाँ पे, अलग अलग डिशेज हैं, नाम तो मेरे को नहीं पता इनको क्या कहते हैं। तो गाइस चलो खा के देखते हैं, सारे अलग अलग टाइप का डाल लिया, ये देखो और भी अलग अलग टाइप का खाना बन के आ गया। तो गाइस अब खाना वगैरह खा के मैच में यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी चलेंगे लाइब्रेरी, थोड़ी देर वहाँ बैठ के पढ़ाई करेंगे क्योंकि परसों फिर से एग्ज़ाम है, कल संडे है और उसके बाद मंडे को भी एग्ज़ाम है, उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से ब्लॉग भी लेट आ रहे हैं। तो गाइस अभी लाइब्रेरी में बैठे हैं, यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो गाइस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, अब चल रहे हैं क्लासरूम में। Many tick tacks later. तो गाइस अब अपनी क्लास ओवर हो चुकी है, अब देखते हैं शायद वापस चलते हैं हॉस्टल। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं यूनिवर्सिटी से हॉस्टल के लिए, और ये देखो जिस टाइम पे एग्ज़ाम दे गए तब कैसा मौसम था और अब वापस से कैसे आसमान खुल गया। तो गाइस एग्ज़ाम दे चुके हैं, बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद अपने क्लासेस भी लगा ली और फिर उसके बाद अब फ्री हो चुके हैं, अब चल रहे हैं वापस हॉस्टल। अब बस का वेट करेंगे बाहर जाके, बस मिलेगी या फिर मिनी बस मिलेगी और फिर उससे चलेंगे हॉस्टल। यह अपनी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस और बाहर का व्यू, ये लोगों के घर भी हैं यहाँ साइडों में और ऊपर पहाड़ पे आप देख सकते हो। जब सुबह आया था तो कैसा मौसम हो रहा था, कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, अब क्लियर हो चुका है मौसम, थोड़े थोड़े बादल हट चुके हैं और सामने वाला रोड बहुत बिजी है, बहुत ट्रैफिक रहता है इस रोड पे, ठंडी ठंडी हवा चलनी स्टार्ट हो चुकी है और साथ में धूप भी निकल गई है हल्की सी। ये देखो कैसा मौसम हो गया, सुबह कैसा मौसम था अब कैसा हो गया। और वो देखो सामने वहाँ सुपरमार्केट स्टोर वगैरह भी है। अगर हमें मिनी बस मिल जाएगी वो तो हमें मिल जाएगी यूनिवर्सिटी के बाहर से ही, और जो अगर बस लेनी पड़ेगी तो पहले जाना पड़ेगा हमें बस स्टॉप पे। तो अभी चल रहे हैं बस स्टॉप पे, तो गाइस इतना वेट करने के बाद फाइनली अपनी बस आई गई है। ये देखो बाहर कितनी तेज हवा चलने लग गई है। तो गाइस अब हम बस से उतर चुके हैं, स्टॉप आ गया अपना, पर लेकिन अभी हॉस्टल दूर है, स्टॉप थोड़ा दूर था तो वहां तक पैदल जा रहे हैं चल के हॉस्टल के लिए। लेकिन फुटपाथ की जगह नहीं है, ये देखो साइड में कैसे चल रहे हैं, यहाँ साइड में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी साइड में चलना पड़ रहा है, फुटपाथ की जगह नहीं है साइड में। गाइस ये चेक करो, जब हम यूनिवर्सिटी से निकले थे तब कैसा मौसम था और अभी हम हॉस्टल पहुँचे हैं तो ये देखो कैसा मौसम हो रहा है, वहाँ पीछे पहाड़ फिर से बादल वगैरह स्टार्ट हो गया और वहाँ पर स्नो भी पड़ रही है। ये देखो बस हॉस्टल पहुँचने वाले थे और जोर से वापस स्नो स्टार्ट हो गया।
तो गाइस अब फाइनली हॉस्टल में आ चुका हूँ, अपने रूम में पहुँच गया, रख के बैग वो, अब थोड़ा बहुत करेंगे रेस्ट। तो रात को पूरी लेट तक पढ़ रहे थे, अब करना थोड़ा सा रेस्ट, लेकिन ज़्यादा रेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कल संडे है और फिर मंडे को फिर से एग्ज़ाम है। तो अभी थोड़ी देर वैसे तो रेस्ट करूँगा, अभी शायद नींद आ रही है थोड़ी सी क्योंकि रात को लेट तक पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद डिनर वगैरह करके फिर पढ़ने बैठने। आज एक ही दिन में मैंने तीन मौसम दिखा दिए, बर्फ़, बारिश और धूप। वो देखो धूप निकली हुई है और स्नो पड़ रही है, साथ साथ अलग ही नजारे हैं। बातुमी का मौसम का कोई भरोसा नहीं। तो प्लीज सबर कराए सर, व्हाटएवर।